नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिवम और आप देख रहे हैं धर्मा न्यूज। एक खबर सामने आई है, 20 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है ब्लैक होल। गूंगा नहीं है, सुनिए इसकी आवाज। नासा ने इसकी आवाज कैच करी है। नासा ने ब्लैक होल की आवाज रिलीज की है, बेहद डरावनी है। पहले लोग मानते थे कि स्पेस में कोई आवाज नहीं होती, ना ही ब्लैक होल से कोई आवाज निकलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आकाशगंगा में इतने प्रकार की गैसें हैं जिसके घर्षण से आवाज निकलती है, इसे वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड किया है। कभी आपने सोचा है कि अंतरिक्ष का शैतान कहा जाने वाला ब्लैक होल कैसी आवाज करता होगा? आप सीधे कहेंगे, बेवकूफों क्या, अंतरिक्ष में ज्यादातर हिस्सा वैक्यूम का होता है जहां आवाज नहीं निकलती। लेकिन ऐसा नहीं है, ब्लैक होल गूंगा नहीं होता, ना ही आकाशगंगाओं में यात्रा करने वाली गैसें। ये जब आपस में टकराती हैं तो घर्षण की आवाज निकलती है जो बेहद ही डरावनी होती है। ब्लैक होल की आवाज बेहद ही विचित्र और भयानक है। यह आवाज ठीक वैसी ही है जैसी हॉलीवुड फिल्म 2001 एक स्पेस ओडिसे के अंत में सुनाई देती है। यह एक भूतिया फिल्म के साउंड जैसी है। नासा के वैज्ञानिकों ने धरती से 20 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर मौजूद ब्लैक होल की आवाज रिकॉर्ड की है। देखिए, नासा ने बताया कि यह ब्लैक होल पार्सियस गैलेक्सी क्लस्टर में मौजूद है। यह गैलेक्सी अपने आप में 1 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ा है। इसमें गर्म गैसों का कई समूह है। यह गैलेक्सी अपने आप में कई गैसों का बड़ा बादल है। यहाँ पर वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की आवाज कैसे रिकॉर्ड किया होगा, क्योंकि वैक्यूम में किसी तरह का कंपन नहीं होता। ऐसे में आवाज की लहर पैदा तो होती है पर सुनाई नहीं पड़ती। इसलिए ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि स्पेस में साउंड नहीं होता है और ना ही यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा सकता है। ब्लैक होल के आसपास मौजूद गैसों ने ही उसकी आवाज को रिकॉर्ड करने में नासा के वैज्ञानिकों की मदद की। उन्होंने एकदम अद्भुत आवाज को रिकॉर्ड किया है। पार्सियस गैलेक्सी में मौजूद ब्लैक होल स्पेस के वैक्यूम से दूर है, क्योंकि इसके चारों तरफ गर्म गैसों का घेरा है। यानी यहाँ पर आवाज पैदा होती है और यात्रा कर सकती है। बस वैज्ञानिकों को उन गर्म गैसों की लहरों पर ध्यान देना था ताकि उन्हें रिकॉर्ड किया जा सके, क्योंकि इंसानी कानों को तो आवाज तरंगों के द्वारा ही सुनाई पड़ती है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल से रिकॉर्ड किए गए साउंड की स्केलिंग की। आप इस समय ब्लैक होल की जो आवाज सुन रहे हैं वो उसकी असली फ्रिक्वेंसी से 1440 लाख करोड़ से 2880 लाख करोड़ गुना ज्यादा फ्रिक्वेंसी में सुन रहे हैं। तो सोचिए, इस आवाज को आप तक पहुंचाने के लिए वैज्ञानिकों को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। आज के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजा दें, ताकि हमारी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद।